गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। आपका दोस्त, आपका टीचर सी ए गणपत पुजारा। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में पढ़ा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसके अंतर्गत वर्षों की क्रय विधि, वर्षों की क्रय विधि के अंतर्गत दो मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेज एवरेज। सिंपल एवरेज के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। थ्री एडजस्टमेंट थे। पहला ऐसी स्थिति में यूज करते हैं जब प्रॉफिट निरंतर बढ़ते रहते हैं, जैसे कि 1 ईयर से 2 ईयर से 3 ईयर से 4 ईयर 5 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 यानी कि प्रॉफिट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, निरंतर बढ़ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर में 10,000 कमाए थे, सेकंड ईयर में 20,000 कमाए थे, थर्ड ईयर में 25,000 कमाए थे और फोर्थ ईयर में 40,000 और फिफ्थ ईयर में 50,000। इस प्रकार से प्रॉफिट निरंतर बढ़ रहा है या निरंतर घट रहा है। यदि इसके जस्ट विपरीत होता कि फर्स्ट ईयर में 50 थे, उसके बाद 30 था, 20 था, 50 था, इस प्रकार से निरंतर घटते हैं। सिंपल एवरेज के अंतर्गत क्या होता था कि जब प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है। फर्स्ट ईयर में 15,000 कमाए, सेकंड ईयर में 5,000 कमाए, थर्ड ईयर में 30,000 कमा लिए, उसके बाद यानी कि ऊपर नीचे होता जाता है। लेकिन यहाँ पर या तो ऊपर ही होगा, या तो बढ़ता ही रहेगा या घटता ही रहेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपल एवरेज मेथड यूज करना है, सिंपल एवरेज मेथड यूज करना है, ठीक है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब सिंपल एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का कब यूज करते हैं, ठीक है? जब ये आईएमपी मार्क कर देना, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जब प्रॉफिट या हानि, जब लाभों या हानियों में निरंतर बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं, ठीक है? फास्ट नोट डाउन, जल्दी नोट डाउन करिएगा। और इसका फॉर्मूला है, ठीक है? आप नोट डाउन कर लिया, ठीक है? जल्दी नोट डाउन। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला दे रखा है आपको। फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल ऑफ वेटेज। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपके बुक्स में वही एग्जांपल है, सिर्फ फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप एक बार कंसेप्ट समझ दो बस, उसके बाद एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन कैसे भी दो, ऊपर नीचे करो या कुछ भी दो, आपको कंसेप्ट है। एक पॉइंट डिलीट करें या एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करें, फिर भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप सॉल्यूशन कर सकोगे और अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, एग्जांपल यानी कि 2013, 14, 15, 16, 17 यहां पर 10,000 का प्रॉफिट, यहां पर लिखना ईयर, ये आपका प्रॉफिट ईयर 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 और 50,000,
आपको कैलकुलेशन करना है कि गुडविल के कैलकुलेशन कीजिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और एक क्वेश्चन में और देखा है कि 3 ईयर परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल यानी कि 3 साल की वर्षों की क्रय विधि के आधार पर आप गुडविल की कैलकुलेशन कीजिए। तो आपको दे रखा है फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट और प्रॉफिट। गुडविल एक फॉर्मूले पर आधारित पूरा चैप्टर्स है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन किस प्रकार से फॉर्मूले का बिल्डअप हो रहा है वो आपके सामने है कि ईयर दे रखा है, प्रॉफिट है, वेटेज वेट करना यानी कि आपने सीखा ही होगा कि अब देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से करते हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 3 इयर्स। ठीक है, अब देखो टोटल प्रोडक्ट और प्रॉफिट, टोटल और प्रोडक्ट और प्रॉफिट, प्रोडक्ट और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं यानी कि प्रॉफिट प्रॉफिट इनटू ईयर्स। ठीक है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट और प्रॉफिट कैसे निकालोगे यानी कि जो प्रॉफिट दे रखा है उसे ईयर से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप यहां पर निकालोगे टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो इस प्रकार से 10 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट इनटू ईयर्स, प्रॉफिट कितने का ईयर्स दे रखा है आपको मल्टीप्लाई करना है 10,000 इनटू 1 10,000, 20,000 इनटू 2 40,000, 25,000 इनटू 3 75,000, 40,000 इनटू 4 160,000, 50,000 इनटू 5 250,000। टोटल करो, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट यानी कि इसकी आप टोटल करोगे, फर्स्ट टोटल कीजिएगा, फटाफट जल्दी कीजिएगा टोटल कीजिए। कितनी आ रही है, फर्स्ट कीजिएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल ऑफ वेटेज, वेटेज की टोटल कीजिए, ये वेट है आपका, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ 1 + 3, 1 + 2, 3, 3 + 3, 6, 6 + 4, 10, 10 + 5, 15। तो ये 15 और ये आपका टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 535,000, इस फॉर्मूले में रख लीजिए 5 लाख टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 535,000 डिवाइडेड 15 फास्ट जल्दी कीजिएगा। फटाफट कीजिए, तो आपका आंसर आ रहा है 35,667। इसे आपको कहा है कि 3 इयर्स 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल 1,07,000, ये आपकी गुडविल, ये गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए किस प्रकार से होता है। फॉर्मूला है कि टोटल प्रोडक्ट और प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रॉफिट इनटू इयर्स, उसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। वेटेज का मतलब इयर्स, जो वेटेज दे रखा है उसे कर दीजिए, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड वेटेज से डिवाइडेड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा वेटेज एवरेज, और वेटेज एवरेज से आप मल्टीपल कर देना जितने भी क्वेश्चन में दे रखा है, 2 साल दे रखे, 3 साल दे रखा है, 5 साल दे रखा है, जितने भी देखा है उसे मल्टीपल कर दीजिएगा, आपकी गुडविल की कैलकुलेशन आ जाएगी। थैंक यू, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो रिमेनिंग मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.